हिंदू धर्म में करवा चौथ बड़े व्रत त्योहारों में से एक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ का एक विशेष महत्व है, यह पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने और एक दूसरे के लिए उनके महत्व को समझने का मौका भी माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार कर चंद्रदेव और करवे की पूजा की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि करवा चौथ कब मनाते हैं, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये चौथ के दिन मनाई जाती है। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के पक्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जानते हैं इस साल करवा चौथ के व्रत के दिन पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और भोग के बारे में विस्तार से। करवा चौथ तिथि और शुभ मुहूर्त कब है ये जान लेते हैं। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात के 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। उस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। चांद कब निकलेगा, चलिए जानते हैं। व्रत खोलने के लिए चंद्रोदय का जो समय है वो लगभग रात 8:26 पर है। कैसे मनाते हैं करवा चौथ का व्रत, चलिए जानते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जला रहते हुए व्रत रखती हैं। व्रत शुरू होने के पहले सास के हाथों से सरगी ली जाती है, जिसके बाद से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है और व्रती महिलाएं पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की विधि क्या है, चलिए जानते हैं। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें, पूजा की सामग्री एकत्र कर लें, मिट्टी से गौरी और गणेश बनाएं, माता गौरी को सुहागती चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिंदूर अर्पित करें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें, रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं और शाम को गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुनें। रात्रि में चंद्रमा को देख पति से आशीर्वाद लें और व्रत पारण करें। करवा चौथ के दिन का क्या महत्व है और क्या इतिहास है जानते हैं। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने के कारण माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। कैसे तैयार करें करवा चौथ का भोग यानी कि प्रसाद। करवा चौथ में पारण के लिए कहीं हलवा पूरी और चूरमा, तो कहीं आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाती है। वहीं कहीं पर इस दिन दाल के फरे और कड़ी भी बनती है। करवा चौथ पर हलवा पूरी, खीर, सब्जी, मिठाई बनाई जा सकती है। इस व्रत पर जो भी खाना बनाएं उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। भोग लगाने के लिए आप घी और गुड़ भी ले सकती हैं।